फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन से जुड़ी एक अपडेट के बारे में बताने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, कास्टिंग काउच हर फिल्म इंडस्ट्री की समस्या है। इसके खिलाफ हॉलीवुड में #MeToo जैसा आंदोलन चला था, जिसने पूरी दुनिया में अपना प्रभाव बनाया था। इस कैंपेन के बाद बॉलीवुड में भी कुछ नाम सामने आए हैं। इसके बावजूद फिल्मों में यह समस्या बनी रहती है। साउथ फिल्मों की स्टार कृति सुरेश ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे कास्टिंग काउच को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। गौरतलब है कि फिल्म में काम कर पाने के बदले कास्टिंग काउच निर्माता, निर्देशक या मुख्य अभिनेता से समझौता करने की कहानियां समय समय पर सभी सिने इंडस्ट्रीज में सामने आती रहती हैं। लेकिन इन दिनों साउथ का और सिनेमा तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और सभी भाषाओं की अभिनेत्रियां वहां पर काम करने को तैयार हैं। बताते चले तो ऐसे में कीर्ति सुरेश के इस बयान ने सभी को हैरत कर दिया है कि साउथ की इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच का वजूद है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कास्टिंग काउच से जुड़े अपने अनुभव शेयर किया है। तेलुगु फिल्म महानती के लिए 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली कीर्ति सुरेश ने साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच की मौजूदगी पर कहा कि मेरे साथ काम कर चुकी कई अभिनेत्रियों ने अपने अनुभव मेरे साथ साझा किए हैं। अब तक मैं ऐसे किसी अनुभव से नहीं गुजरी हूं। उन्होंने कहा कि मैं लोगों के साथ विनम्रता से पेश आती हूं और अपने मन की बात साफ शब्दों में कहती हूं। इसलिए साथ किसी ने कभी गलत इरादे से मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश नहीं की। कीर्ति ने साफ तौर पर कहा है कि अगर भविष्य में कोई भी फिल्मकार मेरे सामने इस तरह का वास्तव लाता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, मैं साफ मना कर दूंगी। कीर्ति सुरेश ने कहा है कि मैं गलत समझौते करके काम पाने के बजाय फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर किसी कंपनी में नौकरी करना पसंद करूंगी, लेकिन ऐसे ऑफर कभी स्वीकार नहीं करूंगी। चाइल्ड एक्ट्रेस साउथ में अपना करियर शुरू करने वाली कीर्ति सुरेश 2023 में साउथ में बतौर हीरोइन काम करते हुए 10 साल पूरे कर लेंगी। उन्होंने तमिल, तेलुगु के साथ साथ मलयालम फिल्मों में भी काम की है, लेकिन अभी तक कोई हिंदी या बॉलीवुड फिल्म नहीं की है। हालांकि 2 साल पहले कीर्ति सुरेश को अजय देवगन की फिल्म मैदान से बॉलीवुड डेब्यू का ऑफर मिला था। मैदान के प्रोड्यूसर बोनी कपूर हैं। अमित शर्मा द्वारा निर्देशित इस रिपोर्ट से ड्रामा में कीर्ति सुरेश को अजय देवगन की पत्नी की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह अजय देवगन की पत्नी के रूप में दिखने के लिए बहुत छोटी हैं। कीर्ति सुरेश 30 साल की हैं, जबकि अजय देवगन 53 साल के हैं। तो फ्रेंड्स, कीर्ति सुरेश के इस बयान के बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।